इस दिन ये संगठन 140 करोड़ देशवासियों को पूरे भारत के अंदर एक दूसरे से जोड़ देंगे। उस दिन भारत विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश होगा। हरियाणा और पंजाब के अंदर हम फोकस करें कि युवाओं के लिए नशा मुक्ति अभियान, जैसा कि हम पहले भी नशा मुक्ति अभियान चलाते आए, हमें नशा छोड़ के हमें किताबें उठानी होंगी, तभी हमारा देश पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ सकता है। देखिए, 15 सितंबर को हम दिल्ली में ऐतिहासिक कार रैली तिरंगा के निकालने जा रहे हैं, लेकिन कुछ अलगाववादी लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जिन्होंने वहाँ के लोगों को डाइवर्ट कर रखा था सिर्फ अपनी छोटी सी राजनीति सेकने के चक्कर में, आज सैल्यूट तिरंगा ने यही कार्य किया कि सैल्यूट तिरंगा ने वहाँ के लोगों को शिक्षित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन के यूथ के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हमारे बीच मौजूद हैं, नवीन कुमार। नवीन जी, कैसे दिख रहे हैं? पिछले दिन आपने कश्मीर के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकाली, उसकी चर्चा देश भर के अंदर है, तो वहाँ किन कैसे सोच के आप पहुँच जाते हैं लोगों के अंदर? अभी भी वो भयक्रांत बना हुआ है कि हम कश्मीर जाएंगे और वहाँ पर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तमाम आज ये सारी चीज़ें, परंतु आप क्या इस सब चीज़ों को देख के तिरंगा जो आपका संगठन है उसको, संगठन को लेकर क्या देश का एक मैसेज है कि वहाँ पर अभी क्या हालात हैं, कैसे लोग बाग उस चीज़ से जूझ रहे हैं कि वहाँ पर हमारे पर्यटक जाते हैं तो उनके अंदर से वो भयक्रांत कब ख़त्म होगा? सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आप पत्रकार बंधु जो हमारे मैसेज को पूरे देश नहीं पूरे विदेश के अंदर फैलाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कल हम लोगों ने यात्रा करने की ठानी, इसकी प्लानिंग हम पिछले 6 महीने से कर रहे थे कि हमारे पास सामने काफ़ी चीज़ें दिख रही थी, जिस तरीके से माहौल हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं कुछ ना कुछ माहौल ख़राब दोबारा से शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने जो यात्रा का प्रोग्राम किया तो हमने फिर एक सोचा कि यार क्यों ना देश के एक सच्चे सिपाही की तरह हम उस यात्रा को करें, कि आज वो देश के वीर जवान जो अपने घर बार सब कुछ त्याग करके आज पूरे के पूरे बॉर्डर पर जाते हैं, उन दुश्मनों से लड़ते हैं जो देश के दुश्मन हैं, तो क्या हम क्यों नहीं देश के इस चीज़ों से अपने आप को प्रतीत कर सकते हैं? तो हमने क्या करा, हमने इस यात्रा के लिए वहाँ के, देखिए बाहर से ले जाके यात्रा कोई भी कर सकता था, हमें ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी कर सकता था, लेकिन हमने कश्मीरी जो अपने भाई हैं उनके हाथ में, हजारों युवाओं के हाथ में, और सबसे बड़ी जो आपको मैं बता दूं, जो सिराज उल उलूम जो हमारा वहाँ का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है, उसके मदरसों के बच्चों के हाथ में तिरंगा दिया और उन्हें बताया सबको कि भारत माता की जय, ये हर भारतवासियों के लिए है, जनगण मन गाना ये हर देशवासियों के लिए है, जो 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो किसी भी जाति से हो, तिरंगे का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा संगठन है वो संगठन पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो 140 करोड़ लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है कि आज सपोज मुझे कोई रोजगार का अवसर प्राप्त करना है गुड़गांव शहर के अंदर, लेकिन मेरी कनेक्टिविटी नहीं है लोगों से, तो मैं आप जैसे भाइयों के साथ मिलकर यहाँ रोजगार के साधन को उपलब्ध कर सकता हूँ। इसी तर्ज पर हमने ये प्रोग्राम बनाया और पूरे देश में लाखों युवाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा, और हमारा उद्देश्य है कि जिस दिन ये संगठन 140 करोड़ देशवासियों को पूरे भारत के अंदर एक दूसरे से जोड़ देंगे, उस दिन भारत विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश होगा, और भारत जो विश्वगुरु बनने के पटल पर चल चुका है वो विश्वगुरु जरूर बन के दिखाएगा। गुरुराम के अंदर आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा, क्या खास बिंदु थे जो कि आप यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं हरियाणा के लोगों को और NCR क्षेत्र को? देखिए, हरियाणा में जो लोग रहते हैं वो चाहे किसी भी स्टेट से हो, चाहे किसी भी भाषाई क्षेत्र से हो, मैं हरियाणा के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये सब हमारे भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, हम भारतीय हैं, एक दूसरे का सहयोग करें। तिरंगा का सम्मान हर एक भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारा हरियाणा के लोगों के लिए भी यही संदेश है कि एक दूसरे के साथ मिलके हरियाणा में जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से
कि जिस तरीके से युवा नशा मुक्त नशा की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा बहुत प्रायोरिटी है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर हम फोकस करें कि युवाओं के लिए नशा मुक्ति अभियान, जैसा कि हम पहले भी नशा मुक्ति अभियान चलाते आए हैं, क्योंकि हमें नशा छोड़ के देश का तिरंगा उठाना होगा, हमें नशा छोड़ के देश के अंदर रोजगार पैदा करने होंगे, हमें नशा छोड़ के हमें किताबें उठानी होंगी, तभी हमारा देश पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ सकता है। आगे प्रेस वार्ता के अंदर आपने कहा कि हम 15 सितंबर और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, आपने कहा जनवरी में, आपके बिंदु पर हर कार्यक्रम किसी न किसी मंथ में हो रहे हैं, इसको कैसे क्या क्या है एक बार वो बताइएगा। देखिए 15 सितंबर को हम दिल्ली में ऐतिहासिक कार रैली तिरंगा के निकालने जा रहे हैं, वो 1000 गाड़ियों का काफिला पूरे दिल्ली के अंदर निकाला जाएगा। उसके साथ साथ हम वहाँ से दिल्ली से ऋषिकेश 16 सितंबर को एक बड़ी यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जो यमुना को गंगा से जोड़ने का है। ये यात्रा मैसेज देता है पूरे देश के अंदर कि यमुना से गंगा को कैसे जोड़ा जाए एक दूसरे से। वो यमुना से गंगा जुड़ा तो हुआ है, लेकिन यमुना से गंगा तक के लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ पाए, हमारा मैसेज इस यात्रा के लिए ये है। 17 सितंबर को हम लोग तिरंगा आरती कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। उसके बाद हम लोग 25 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जो अटल सम्मान कार्यक्रम है, जो पिछले 8 सालों से हम करते आए हैं, चूँकि इस बार अटल जी का 100वां जन्मदिन है, उस दिन हम लोग देश के अंदर से 100 ब्यूरोक्रेट्स, 100 सामाजिक लोगों को अटल सम्मान देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिशें हैं। और मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आग्रह भी करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बना हुआ है। उसके बाद हम एक कार्यक्रम जनवरी के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें अटल सम्मान के साथ साथ हम एक कार्यक्रम जो सबसे बड़ा करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं तिरंगा क्रिकेट लीग। तिरंगा क्रिकेट लीग का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि देश के वो प्रतिभाशाली युवा जिनको किसी न किसी पहुंच के कारण वो अपने उस पटल पर अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते हैं, उस टैलेंट को उस चीज़ों से जोड़ के, और हम आगे पूर्णतः कोशिश करेंगे कि देश के अंदर उन युवाओं को मौका मिले। यह कैसे दिख रहा है कि आप जब तिरंगा यात्रा निकालते हैं, आप एक तरफ बात करते हैं कि हम सबको एक साथ एक माला में पिरोने का काम करेंगे, सबको एक साथ, देश के 140 करोड़ लोग, हम सब एक साथ रहेंगे, दूसरी तरफ आपको भय बना रहता है जब आप कश्मीर में जाते हैं। आपने कहा कि अभी कि हम कश्मीर में जाते हैं तो आज बहुत ही भयक्रांत का माहौल है, हमने उन चीज़ों को जो सोच रहे थे परंतु हम वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, या हमने उन लोगों के हाथ में थमाए अपने तिरंगा, उनके हाथ में दिया, उनको एक संदेश दिया कि भारत माता की जय कहें, तो ये एक मुस्लिम और हिंदू का जो विषय है बार बार ये सामने कहीं ना कहीं। इस दिन ये संगठन 140 करोड़ देशवासियों को पूरे भारत के अंदर एक दूसरे से जोड़ देंगे, उस दिन भारत विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश होगा। और हरियाणा और पंजाब के अंदर हम फोकस करें कि युवाओं के लिए नशा मुक्ति अभियान, जैसा कि हम पहले भी नशा मुक्ति अभियान चलाते आए हैं, हमें नशा छोड़ के हमें किताबें उठानी होंगी, तभी हमारा देश पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ सकता है। देखिए 15 सितंबर को हम दिल्ली में ऐतिहासिक कार रैली तिरंगा के निकालने जा रहे हैं, लेकिन कुछ अलगाववादी लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जिन्होंने वहाँ के लोगों को डाइवर्ट कर रखा था सिर्फ अपनी छोटी सी राजनीति सेकने के चक्कर में, आज सैल्यूट तिरंगा ने यही कार्य किया कि सैल्यूट तिरंगा ने वहाँ के लोगों को शिक्षित किया। किसी पहुंच के कारण वो अपने उस पटल पर अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते हैं, उस टैलेंट को उस चीज़ों से जोड़ के, और हम आगे पूर्णतः कोशिश करेंगे कि देश के अंदर उन युवाओं को मौका मिले। यह कैसे दिख रहा है कि आप जब तिरंगा यात्रा निकालते हैं, आप एक तरफ बात करते हैं कि हम सबको एक साथ एक माला में पिरोने का काम करेंगे, सबको एक साथ, देश के 140 करोड़ लोग, हम सब एक साथ रहेंगे, दूसरी तरफ आपको भय बना रहता है जब आप कश्मीर में जाते हैं। आपने कहा कि अभी कि हम कश्मीर में जाते हैं तो आज बहुत ही भयक्रांत का माहौल है, हमने उन चीज़ों को जो सोच रहे थे परंतु हम वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, या हमने उन लोगों के हाथ में थमाए अपने तिरंगा, उनके हाथ में दिया, उनको एक संदेश दिया कि भारत माता की जय कहें, तो ये एक मुस्लिम और हिंदू का जो विषय है बार बार ये सामने कहीं ना कहीं आ जाता है। देखिए कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं है कि कश्मीर के युवा तिरंगा नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ अलगाववादी लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग,
महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जिन्होंने वहाँ के लोगों को डाइवर्ट कर रखा था सिर्फ अपनी छोटी सी राजनीति सेकने के चक्कर में। अरे राजनीति करना आपका काम है, आप राजनीति करिए, लेकिन जिस तरीके से आप ये गुपकार गैंग, जिस तरीके से आप लोग वहाँ के लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो लोग उतने ख़राब नहीं है। आज सैल्यूट तिरंगा ने यही कार्य किया कि सैल्यूट तिरंगा ने वहाँ के लोगों को शिक्षित किया। आज देखिए कि जो शिक्षित लोग होते हैं और अशिक्षित लोग होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। आज जिस तरीके से लोग शिक्षित होते जा रहे हैं उन्हें आज पता है। आज पिछले 10 वर्षों में आप कार उठा के देखिए कि देश के अंदर राष्ट्र प्रेम हो चाहे धार्मिकता हो वो कितनी ज़्यादा बढ़ी है। ये सब के सब जो इसके देन और इसका श्रेय मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का श्रेय है, कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है। देखिए मुझे भाजपा या मुझे कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हैं वो देश के प्रधानमंत्री, वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश को विश्व के अंदर अपना स्टैंड दिया है। ठीक, आप भी कुछ बोलेंगे त्यागी जी? कुमार हमारे बीच मौजूद थे, सलूट तिरंगा यात्रा राष्ट्रवादी संगठन जो कि एक संदेश देश के अंदर छोड़ रहा है कि हमें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक साथ चलना है, एक साथ मिलकर रहना है, वो किसी भी जात या धर्म या वर्ग या समुदाय का लोग हो, हम सबको मिलकर एक साथ खड़ा होना है। देखना होगा कि जो सलूट तिरंगा यात्रा इस संदेश को समय समय पर लोगों के बीच हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम जनता के बीच सबको एकजुट करने के साथ चल रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक सपना है या उनका अपना एक नारा है सबके साथ सबका विकास के साथ, उसी विषय को लेकर उस नारे को लेकर नवीन कुमार भी जो कि इस यूथ प्रेसिडेंट हैं राष्ट्र के इस संगठन के अंदर वह भी लेकर चल रहे हैं कि और उनका कहना है कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो कि समाज को सही रास्ता का मार्गदर्शन करें, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको बहकाने का काम करते हैं, उनको भड़काते हैं कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उस पर हम पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। देखना होगा कि सलूट तिरंगा यात्रा राष्ट्रवादी संगठन कितना इस विषय को और आगे ले जाता है, सबको एक साथ कैसे जोड़ता है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।